नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिक्स डिपॉजिट को लेकर होगा इस वीडियो में एसबीआई बैंक के द्वारा चलाए गए फिक्स डिपॉजिट स्कीम को फुल एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे इसका डिटेल जैसे इस स्कीम से मिलने वाले फीचर्स क्या क्या है इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा अभी का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है एस बैंक में और मिनिमम से मैक्सिमम कितने अमाउंट का एफ करवा सकते हैं एस बैंक से इन सभी के अलावा हम लोग उन सवालों पर भी बात करेंगे जो डायरेक्टली कस्टमर्स बैंक से पूछते तो हैं पर उन्हें जवाब नहीं मिल पाता जैसे कितने सालों में, में मेरा पैसा डबल होगा अगर हम एफडी करवाते हैं एसबीआई बैंक में अभी आज के डेट में तो कितने सालों में, में मेरा पैसा डबल होगा या कितने दिनों में, में मेरा पैसा डबल होगा अगर मैच्योरिटी टाइम पूरा होने से पहले हम लोग उन एफडी को ब्रेक कर देते हैं जो एफडी मैंने अभी करा रखा है अगर उस एफडी को मैं ब्रेक कर देता हूं तो किस तरह के पेनाल्टीज बैंक हम पे चार्ज करेगी और अगर मैच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद हम लोग अगर मैच्योरिटी टाइम जब पूरा हो जाता है और मेच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद पैसा जब निकालते हैं तो कितने का बेनिफिट हमें होगा क्या उस बेनिफिट पे टैक्स भी लगाए जाएंगे अगर टैक्स लगाए जाएंगे तो हम लोग उन टैक्स से कैसे बच सकते हैं मतलब एफडी कैलकुलेटर के साथ साथ हम लोग एस बी डिपॉजिट फिक्स स्कीम से रिलेटेड जानेंगे सब कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही पूरे डिटेल के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें दोस्तों अपने फिक्स डिपोजिट स्कीम को लेकर एसबीआई बैंक कहता है कि अगर कोई कस्टमर हमारे हाँ स्कीम के अंदर यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर अपना फिक्स डिपॉजिट करवाता है तो हम उनके जमा किए गए पैसों पर गारंटीड यानी निश्चित रिटर्न देंगे इसमें कस्टमर को करना कुछ नहीं होता बस आपको एसबीआई बैंक में अपना सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट ओपन करवाना है ओपन करवाने के बाद डेफिनेटली आपको एक एफ का ऑप्शन दिख जाएगा अगर आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग यानी ऑनलाइन के जरिए आप यूज कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हैं तब अगर आपको ऑफलाइन ओपन करवाना हो अकाउंट तो ऑफलाइन ओपन करवा करके फिर ऑफलाइन आप एफ का फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं एस नियरेस्ट ब्रांच जो आपका है वहां जाकर आप एफ का फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं उसके बाद आपको एक फिक्स टेन्यूर चुनना होगा आपको अपना अमाउंट चुनना होगा एक लमसम अमाउंट जमा करना होता है पाँच हजार लाख दो लाख दस लाख एक फिक्स अमाउंट आपको जमा करना है आपको एक फिक्स टेन्यूर चुनना है कि इतने दिनों में इतने सालों में इतने महीनों में मेरा टेन्यूर पूरा हो जाएगा मेरा एफडी मैच्योर हो जाएगा फिर जब आपका एफडी मैच्योर हो जाएगा मान लिया जब मैंने दो सालों का टाइम चुना था तो दो सालों के बाद जब मेरा एफडी मैच्योर हो जाएगा तो एस बैंक कहता है कि हम आपके जमा किए गए पैसों पर गारंटीड रिटर्न देंगे चलिए एफ होता क्या है उसे तो हमने समझ लिया अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ एस बी आई फिक्स डिपोजिट स्कीम एंड इट्स फीचर इसके क्या क्या टाइप्स हैं एसबीआई फिक्स डिपोजिट स्कीम के और इसके फीचर्स क्या क्या है तो इसके टाइप्स में सबसे पहला है यस नॉर्मल फिक्स डिपोजिट स्कीम दूसरा है यस मल्टी ऑप्शन फिक्स डिपोजिट स्कीम तीसरा है यस टैक्स सेविंग फिक्स डिपोजिट स्कीम हम लोग इन तीनों स्कीम्स के डिटेल्स को आगे समझते चलेंगे कि कौन सा स्कीम कस्टमर्स के लिए ज्यादा बेहतर है किसमें ज्यादा बेनिफिट कस्टमर्स को मिलने वाला है आइए पहले समझते हैं एस बी आई नॉर्मल फिक्स डिपोजिट स्कीम को इसमें अगर बात करें पीरियड ऑफ डिपोजिट की तो मिनिमम सात दिन और मैक्सिमम दस सालों का समय आपको मिल सकता है मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है ये आपको चुनना है कि आप कितने सालों के लिए या कितने दिनों के लिए यहाँ एफडी करवाना चाहते हैं डिपोजिट अमाउंट की बात करें तो कम से कम एक हजार का डिपॉजिट करवा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का कोई लिमिटेशन नहीं है कस्टमर का जितना मन करे उतना डिपॉजिट यहां करवा सकते हैं यहां तक कि अगर किसी कस्टमर का डिपॉजिट दो करोड़ से ऊपर हो जाता है तो उनका जो एफ है वो बल्क डिपोजिट में काउंट होगा और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए जाएंगे इसके अलावा यह सभी ब्रांचेज में अवेलेबल है अगर कोई बैंक आपको मना करती है यहाँ एफ करवाने को तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल करके बता सकते हैं फिर जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो एस बी का सभी स्कीम के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है अपटू सेवन परसेंट पर एनम इसके बाद यहाँ नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है नॉमिनेशन करवा सकते हैं ब्रांच ट्रांसफर की फैसिलिटी अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगी तो अगर आपका मन हो यी को एस के अंदर किसी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ट्रांसफर करने का तो आप आसानी से कर पाएंगे वहीं ओवरड्राफ्ट या कम पेनाल्टीज पे प्री मैच्योर बीडोबल भी, भी अवेलेबल है जी, हाँ मैं कम पेनाल्टी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्री मैच्योर भी डबल करने पर एस बी आई जीरो पॉइंट फाइव परसेंट टू वन परसेंट ही चार्ज करती है पूरे टेन्यूर का हाँ यह बात अलग है कि पेनाल्टी आपके ऊपर अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका अमाउंट पांच लाख से कम है तो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट चार्ज लगेगा और अगर अमाउंट पांच लाख से ज्यादा है तो लगभग वन परसेंट का चार्ज आपके ऊपर लगाया जाएगा वहीं प्री मेच्योर विड्रोवल करने पर आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा आपके अमाउंट पर जितना आपको एफ पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा था उतना नहीं मिल पाएगा अगर प्री मैच्योर बिड्रोवल करते हैं तब लेकिन उतना भी कम नहीं होगा जितना सभी बैंकों में होता है यहाँ जो इंटरेस्ट रेट कम होगा वो होगा लगभग 0.5 परसेंट टू 1 परसेंट ओनली इसके अलावा अदर कोई एक्स्ट्रा चार्जेज आपसे नहीं लिए जाएंगे एफडी पर जो हर महीने इंटरेस्ट बनेगा उसे आप या तो मंथली निकाल सकते हैं या तो क्वार्टरली निकाल सकते हैं या फिर मेच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद शुद्ध समेत आपको पैसे वापस मिल जाएंगे साथ में अगर कोई पेंशनर्स यहाँ एफ करवाने आते हैं एस बैंक में या फिर एस बैंक का इम्प्लॉय खुद यहाँ एस बैंक में एफ करवाता है तो उन्हें जीरो पॉइंट फाइव परसेंट टू वन परसेंट एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा यह फीचर था दोस्तों नॉर्मल स्कीम का। अब अगर मल्टी ऑप्शन डिपोजिट स्कीम के बारे में जाने तो इसके फीचर्स भी कुछ कम नहीं है मल्टी ऑप्शन स्कीम को स्पेशल एफडी स्कीम भी कहते हैं जिसमें अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकते हैं और जब आपका मन हो तो थाउजेंड्स के मल्टीपल में उसे निकाल भी सकते हैं यहाँ डिपॉजिट का टेन्यूर कम से कम एक साल और ज्यादा से ज्यादा पांच साल होगा जो नॉर्मल एफडी में सात दिन से लेकर दस सालों का समय मिलता था यहाँ स्पेशल स्कीम में एक साल से पांच सालों का ही समय आपको मिलेगा साथ में यहाँ ऑटो स्विप की फैसिलिटी अवेलेबल है मतलब जब आपके सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में जरूरत से ज्यादा पैसा हो जाए आपको ऐसा लगे कि खर्च करने से ज्यादा पैसा है तो अपने हिसाब से ऑटो स्विप की फैसिलिटी ले सकते हैं उसमें होगा ये जैसे ही लिमिट सेट किए गए पैसों से ज्यादा अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा तो आपका पैसा खुद ब खुद एफडी अकाउंट में चला जाएगा दोस्तों का ये दोनों स्कीम जो मैंने अभी आपको बताया ये दोनों स्कीम में टैक्सेस एप्लीकेबल है इन दोनों स्कीम में जब कस्टमर अपना पैसा विड्रॉवल करेंगे मेच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद तो आपको सरकार को टैक्स देना होगा और भी लगभग कई सारा फीचर्स है जो बाकी सेम ही है लेकिन अब जो मैं तीसरा स्कीम बताने जा रहा हूं टैक्स सेविंग एफ डी स्कीम मेनली इससे मिलने वाला फायदा यह है कि आपके लगे आपके पैसों पर लगे टैक्सेस से आपको बचाता है अब ये कैसे पॉसिबल है उसे समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा क्योंकि इसका सारा डिटेल फीचर्स एलिजिबिलिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है आप वहां से पढ़ और समझ सकते हैं फिर यहां से आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर जिसमें सीधे सीधे समझेंगे सभी बैंकों के एफ कैलकुलेटर को कि कितने सालों में कितना इंटरेस्ट मिलेगा पैसा कब तक डबल होगा मेच्यूरिटी पीरियड में कितना रिटर्न मिलेगा आइए कैलकुलेटर के माध्यम से इन सभी को हम लोग समझते हैं इस कैलकुलेटर को प्ले स्टोर से या एप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा एफ कैलकुलेटर का इसे क्लिक करेंगे फिर यहां अपना अमाउंट इंटर करेंगे फर्स्ट कॉलम में नीचे इंटरेस्ट एंटर करेंगे और उसके नीचे थर्ड कॉलम में जितने सालों के लिए एफ करवाना चाहते हैं उसे एंटर करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको नहीं पता हो किसी भी बैंक का तो इंटरेस्ट रेट यहां से क्लिक करके आप जान सकते हैं मेक श्योर की आपका ऐप अच्छे से अपडेट होना चाहिए वरना लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप नहीं देख पाएंगे अब जैसे कि मुझे एस बैंक में पांच लाख की एफ करवानी है चार सालों के लिए जिसका कि अभी एस बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहा है सिक्स तो कैलकुलेटर करने पे हम लोगों को यह पता चलता है कि टोटल मैच्योरिटी टाइम पे जब हमारा चार साल पूरा हो जाएगा जैसे कि हमने चार सालों की एफडी करवाई थी तो जब हमारा चार साल पूरा हो जाएगा तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा छह लाख इसमें हमारा जो मूलधन होगा जो मैंने जमा किया था वो है पांच लाख रुपए और इस पे जो इंटरेस्ट बनकर सामने आएगा वो है एक लाख सैंतालीस हजार रुपए वन लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड रुपए इसी तरह से आप लोग भी अपना मन चाह अमाउंट और ईयर लिखकर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस ऐप के जरिए या फिर डायरेक्टली आपको क्रोम पे चले आना है और जिस बैंक से आप एफ करवाना चाहते हैं उस बैंक को मान लिया जाए मुझे एस से आई एफ करवानी है तो एस बी कैलकुलेटर क्रोम पे लिखकर सर्च करेंगे फिर एस के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और वहां से इसी तरह से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा अब यहां एक सवाल आता है दोस्तों कि कितने सालों की एफडी कराएं कि मेरा अमाउंट डबल हो जाएगा तो उसके लिए एक ट्रिक है कि जिस भी बैंक में आप एफडी करवाना चाहते हैं या जिस बैंक में आपने एफडी करवा रखा हो उसका सबसे पहले आप इंटरेस्ट रेट पता करें उस इंटरेस्ट रेट को सेवनटी से डिवाइड करें जो भी आपका आंसर आएगा उतने सालों में आपका एफ डबल हो जाएगा जैसे कि अभी SBI दे रहा है 7% का इंटरेस्ट रेट तो 7 को मैं 72 से डिवाइड करूंगा ये जो 10 पॉइंट कुछ का जो आंसर आ रहा है इतने सालों में मेरा एफडी अमाउंट डबल हो जाएगा तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों SBI फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का इसे पास एक बेलून सलाह है दोस्तों कि कभी भी बिना इंटरेस्ट रेट जाने किसी भी बैंक में इन्वेस्ट ना करें पहले आप ऑफिशियल साइट्स पर जैसे SBI है या है IDFC है आईसीआईसीआई आई बैंक है कोई भी बैंक है जिस भी बैंक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना कि सिर्फ एफ बल्कि आर या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर जा करके उसका इंटरेस्ट रेट आप चेक कर लें कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देर किस बात की चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें